अच्छा, इस वीडियो का पर्पस ये है कि हम लोग डेट फंक्शंस को देखें एक्सेल के अंदर किस तरह से काम करते हैं। लेट्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग अटेंडेंस शीट से। इफ़ आई विश टू क्रिएट एन अटेंडेंस शीट, तो फिर उसके लिए जो है वो मुझे कुछ स्टूडेंट्स चाहिए होंगे। फर्श कर लो, मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐड कर रहा हूँ, और दीज आर माई सम स्टूडेंट्स। इनको एक सीरियल नंबर भी अलॉट कर दें, फिल सीरीज, मेक देम सेंटर लाइन, वर्टिकल सेंटर। इनको लेफ्ट ही रहने देते हैं क्योंकि अटेंडेंस शीट बना रहे हैं हम लोग। सीरियल नंबर, स्टूडेंट्स, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी आपके पास डेट्स। यहाँ पर जो है वो हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास जो क्लासेस होनी है वो किस किस डेट पे होनी है, ताकि उसके हिसाब से हम अटेंडेंस शीट बना सकें। यहाँ पे हम एक इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, अटेंडेंस शीट। आप चाहें तो और डिटेल्स भी इसमें ऐड कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अब डेट्स एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरीके की है। वैसे तो हम यहाँ पर डेट मेंशन कर दें सारी के सारी, मैन्युअली हो जाएगा काम, लेकिन क्राइटेरियाज डिफरेंट होते हैं कंपनी टू कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। ठीक है, हमारी जो यहाँ क्लासेस होती हैं वो मंडे को होती हैं, फिर वेडनेसडे को होती हैं, फिर फ्राइडे को होती हैं। तो उस सूरत हाल में मैं चाहता हूँ कि एक्सेल मुझे कुछ ऐसा करके दे कि ऑटोमेटिकली सिर्फ मंडेज आएँ, वेडनेसडेज आएँ और फ्राइडे आएँ, उसके अलावा कुछ और ना आए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो अपनी डेट देनी पड़ेगी। आज जो हमारा डे है, मतलब मंथ है, एक्सेल में पहले मंथ देते हैं, तो वो सातवां महीना है, 16 तारीख है और 2018 है। अब मैं जो डेट दिखाना चाहता हूँ उसकी, क्योंकि ये अटेंडेंस शीट है तो यूँ इस तरह से डेट दिखाना मुनासिब नहीं है, तो आप इसका फॉर्मेट जो है वो यहाँ से मोड नंबर फॉर्मेट्स में जाके चेंज करेंगे, और कस्टम फॉर्मेट में जाके मुझे सिर्फ यहाँ पर दिन और न्यूमेरिकल डेट और अल्फाबेटिकल दिन का नाम सिर्फ वो दिखाना है। तो मैं यहाँ सिर्फ डी प्रेस कर रहा हूँ, सैम्पल पे गौर करें, सिर्फ डी लिखने से मेरे पास दिन आ चुका है 16 तारीख, और स्पेस दूंगा उसके बाद। ये फॉर्मेटिंग दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं अपनी मर्ज़ी की किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग दे सकता हूँ। डी डी डी, देखें मंडे आ गया ये, अगर ट्यूसडे होता तो टी यू ई लिखा हुआ आता। अगर मैं यहाँ पे एक और डे लगा दूँ पूरा मंडे आ जाएगा, आ रही है बात समझ में? इसी तरह से मैं किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। सिर्फ एम लिख दूँ तो मंथ आ रहा है, एम एम लिख दूँ तो 07 वाला मंथ आ रहा है, अगर ट्रिपल एम लिख दूँ तो यू वाला आ रहेगा, अगर चार दफ़ा एम लिख दूँ तो पूरा महीना आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर ईयर लिख दूँ वाई तो टू डिजिट आ रहा है, ये भी इससे भी टू डिजिट आएगा, और इससे जो है वो फोर डिजिट आएगा। तो ये फॉर्मेटिंग है, मैं यहाँ पर फिलहाल जो है वो ये फॉर्मेटिंग देना चाहता हूँ कि तारीख दिखे और दिन दिखे। तो भाई इसको ओके कर दें, तो मेरे पास जो है वो फॉर्मेटिंग भी आ गई। इसको बोल्ड कर दें सबको, एटलीस्ट इतनी कॉलम्स को हम बोल्ड कर देते हैं, और सेंटर अलाइन कर देते हैं इसको। राइट, तो 16 तारीख आज है, फर्स्ट कर ले मैं जुलाई की अगर स्टार्ट से बात करूँ तो 02 ले लेते हैं, तो 2 तारीख को मंडे था, जुलाई का महीना हम पूरा ले लेते हैं यहाँ पर, तो 2 तारीख को मंडे है। अब मैं चाहता हूँ कि अगली जो डेट आए वो ट्यूसडे ना आए बल्कि वेडनेसडे आए, और उसके बाद जो अगली डेट आए वो वेडनेसडे के बाद थर्सडे ना आए बल्कि फ्राइडे आए, और फ्राइडे के बाद जो अगली डेट आए वो सैटरडे भी नहीं आए, संडे भी नहीं आए, डायरेक्ट क्या है मंडे आए। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं इक्वल टू, एक फार्मूला है एक्सेल के अंदर workday.intl, आप इसको सेलेक्ट करें। इसमें ये आपसे कह रहा है स्टार्ट डेट दें, स्टार्ट डेट है मेरी D5 में, D5 मेरा वो सेल सेलेक्ट हो चुका है स्टार्ट डेट वाला, कॉमा लगाएं। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपकी स्टार्ट डेट से कितना इंटरवल देना है आपने, मतलब आज के दिन से अगले दिन से शुरू करना है, या उसके एक दिन बाद से शुरू करना है, या उसके दो दिन बाद से शुरू करना है। मैंने कहा भाई अगले दिन से शुरू करना है, सही है, आज की डेट के बाद से।
आप यहाँ पॉजिटिव नंबर भी दे सकते हैं, नेगेटिव देंगे तो पीछे चला जाएगा, जीरो देंगे तो फिर कोई इंटरवल नहीं होगा, कॉमा। फिर ये आपसे मांग रहा है कि यार आपका जो शेड्यूल होगा पूरे हफ्ते का वो किस तरीके का होगा, तो वो आपको डबल कोट्स में यहाँ देना पड़ेगा। और डबल कोट्स लगाने के बाद आप यहाँ पर स्टार्ट करें अपने वर्किंग डे से। अगर मंडे से आपका वर्किंग डे है तो ज़ीरो, ज़ीरो मीन्स ऑन डेज, जिस दिन आपको ऑन दिखाना है। फिर मंडे को अगर आपको क्लास दिखानी है तो मंडे, फिर ट्यूसडे को ऑफ, फिर वेडनेसडे को ऑन, फिर थर्सडे को ऑफ, फिर फ्राइडे को ऑन, और फिर सैटरडे ऑफ और संडे भी ऑफ। एक पैटर्न दिया है, ज़ीरो मीन्स ऑन डेज एंड वन मीन्स ऑफ डेज एज पर माई रिक्वायरमेंट इन दिस एग्जाम्पल। आप चाहते तो कोई और रिक्वायरमेंट भी कर सकते थे, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ब्रैकेट बंद कर दें, दैट्स इट। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉर्मेट थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा हमें, बल्कि इसी की फॉर्मेटिंग यहाँ से आप फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, ठीक है। नाउ ड्रैग दिस फॉर द होल मंथ। 30 तारीख तक आ गया। अब आप गौर करें, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, इसी तरह से पूरे महीने की मेरी अटेंडेंस शीट बन चुकी है। अगर इसी तरह से आपको जो है वो अब जुलाई खत्म हो गया, अगस्त करना है, तो बस अगस्त का महीना यहाँ दे दें, ये वर्कडे आईएनटीएल आपको ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से दे देगा। अब लेकिन यहाँ थर्सडे आ रहा है सेकंड को, अगस्त की जो है वो मंडे से, अगर फ्राइडे से वेडनेसडे से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें वन देना पड़ेगा। तो अगस्त के हिसाब से फिर जो है वो देखें, वेडनेसडे फ्राइडे मंडे, वेडनेसडे फ्राइडे मंडे, वेडनेसडे फ्राइडे मंडे एंड देन। तो ये वन टाइम एफर्ट है, हर दफ़ा आपकी अटेंडेंस शीट में आपने सिर्फ क्या करना है, स्टार्ट की डेट बदलनी है, ऑटोमेटिकली सारी डेट्स की क्लासेस की जो डेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएंगी। क्लियर है workday.intl का मेथड। इसके बाद अब आप यहाँ पर जो है वो अटेंडेंस मार्क कर लें कि भाई प्रेजेंट है या फिर जो है वो एबसेंट है एंड सो ऑन। इसको आप थोड़ा सा और अच्छा कर लें अटेंडेंस शीट को, और जो है वो इस पर इस सेल को यहाँ से रिमूव कर लें कंट्रोल माइनस प्रेस करके। अच्छा, क्योंकि मैंने वो कंट्रोल माइनस कर दिया तो वहाँ अटेंडेंस शीट भी रिमूव हो गई है, उसको भी हम सेट कर लेते हैं अटेंडेंस शीट। ऑलराइट, मेक इट अ लिटिल बिट प्रिटियर, गिव इट बॉर्डर्स, और उसके बाद यहाँ पर आप जो है वो एनरोलमेंट नंबर वगैरह और जो भी आपने काम करना है, खैर वो आप यहाँ पे काम अटेंड, अब आपने यहाँ पे पी और ए लिखना है, और आपने जो है वो कोई और काम करवाना है तो फिर आप वो कर लें। क्लियर है भाई सब लोगों को ये, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो अब देखें, आपने जो पहले फंक्शंस पढ़े हैं वो यहाँ किस तरह यूटिलाइज होते हैं। अब आपको पता लगाना है कि भाई हसाम ने पूरे महीने में कितनी क्लासेस ली हैं, आ रही है बात समझ में। और यहाँ पर जो है वो एब्सेंट है, और यहाँ पर वो फिर एब्सेंट है, एंड सो ऑन। अच्छा, मुझे यहाँ पर जो है वो केस का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा फ़िलहाल। फर्ज कर लो ये प्रेजेंट है, उसके बाद ये एक दिन एब्सेंट हुए, और उसके बाद ये फिर एब्सेंट हुए, और फिर एब्सेंट हुए, और फिर प्रेजेंट हुए, और यहाँ पर फिर एब्सेंट हुए, और प्रेजेंट, और प्रेजेंट। अब आपने यहाँ पर जो है वो टोटल मेंशन करना है यहाँ पर। फर्ज कर लो कि हसाम ने टोटल कितनी क्लासेस ली है, तो फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्वल टू काउंट। ये मेथड मैंने आपको पढ़ाया है पहले, और आप इसको काउंट करवा लें, बल्कि काउंट करने से तो आपके पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस उठ के आ जाएंगी कि भाई टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो कितनी हुई हैं इस महीने में। अब यहाँ पर जो है वो पता लगा लें कि भाई टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो कितनी हुई है। अब मसला ये है, ये जो काउंट है ये न्यूमेरिक पे चलता है, ये काउंट जो है वो न्यूमेरिक पे चलता है। अगर यहाँ 10 होते तो फिर ये काउंट जो है वो प्रॉपर आता उठ के, क्लियर है। तो इसके लिए और फंक्शंस भी है कि आप जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं उसको, तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ और करने की कोशिश करते हैं। चलें, काउंट इफ, काउंट इफ, सही है, काउंट इफ, अगर काउंट करो, रेंज दो पहले, तो रेंज मांग रहा है वो आपसे, रेंज दे दी, कॉमा, क्राइटेरिया, काउंट करो अगर ये जो सेल है, काउंट करो अगर ये जो सेल है वो इक्वल टू है पी के, ब्रैकेट क्लोज, अच्छा वो यहां पर जो है वो इसको डबल कोट्स में देना होगा,
एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि काउंट का मेथड जो है वो न्यूमेरिक्स पे ही चलेगा, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स क्योंकि मैंने दिए हुए हैं तो इस वजह से अल्फ़ाबेट्स पे नहीं चल रहा। खैर आप ये काम करवा सकते हैं, लेकिन कि आप टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस पता लगा लें, कितनी प्रेजेंट हैं कितने एबसेंट हैं ये सब पता लगा सकते हैं आप ये जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनके ज़रिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कर देता वन और यहाँ पर भी वन, फिर वन और यहाँ पर ज़ीरो, ज़ीरो एब्सेंट के लिए ज़ीरो, प्रेजेंट के लिए वन और एब्सेंट के लिए ज़ीरो, प्रेजेंट के लिए वन और फिर प्रेजेंट के लिए वन। अब अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू काउंट लगाता हूँ और इसकी रेंज दे देता हूँ तो मेरे पास काउंट हो जाएगा कि भाई मेरे पास जो है वो 13 क्लासेज हुई हैं इस महीने में। क्लियर है, 13 क्लासेज हुई हैं। और यहाँ पर जो है वो काउंट इफ़ भी लगा के देखते हैं, इक्वल टू काउंट इफ़, और काउंट इफ़ के अंदर भी आपने रेंज दे दी सारी के सारी और कॉमा लगाया, क्राइटेरिया मांग रहा है वो आपसे। तो मैंने कहा कि अगर ये जो सेल है क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वन दे देता हूँ अगर लेट से, तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो भाई 9 क्लासेस में ये प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। क्लियर है, समझ में आया भाई? तो वो जो काउंट है और काउंट इफ है वो न्यूमेरिक्स पे चलता है, अल्फाबेट्स पे नहीं चलता। तो मुझे इसने बता दिया, इसी तरह से मैं काउंट इफ जीरो पे भी करवा सकता था। अब आप जरा गौर कीजिएगा, इक्वल टू काउंट इफ और यहाँ पर मैंने रेंज दे दी अपनी पूरे महीने की, और उसके बाद रेंज देने के बाद मैंने कहा काउंट इफ अगर ज़ीरो हो, सही है, अगर वैल्यू में ज़ीरो हो तो उसको काउंट करो। तो 4, 9 और 4 कितने होते हैं, टोटल 13 क्लासेस हुई हैं, 9 में वो बंदा आया है। इसी तरह से आप जब आप दूसरे को करोगे तो उसका भी आ जाएगा, भाई ये बच्चा सारी क्लासेस में एब्सेंट है या कुछ क्लासेस में एब्सेंट है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर इसको प्रेजेंट कर देते हैं, दैट्स इट। अब बस आप इसको ड्रैग कर ले नीचे तक, 13 क्लासेस हुई हैं इसकी भी, इसने उसमें से 4 लिए हैं और 9 में गायब है। क्लियर है भाई? तो इस तरह से आप इन्फॉर्मेशन फेच करवा सकते हो। असल मकसद हमारा इस वीडियो में डेट मेथड्स का है, तो डेट मेथड्स में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट मेथड जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है वो क्या है, workday.intl। इज दैट क्लियर सब लोगों को? राइट अब आगे और मेथड्स भी हैं। मुझे अगर आज की डेट पता करनी है तो मैं क्या लिखूँगा, इक्वल टू टुडे, तो आज की डेट आ गई। और इसको आप फॉर्मेटिंग दे दें इधर डेट की, जिस तरह की आप फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं। अगर आपको पता करना हो कि आज की डेट क्या है तो आप ऐसे दिखा सकते हो इसको। इसी तरह से इस डेट में से मुझे मंथ अलग करना है, डे अलग करना है, ईयर अलग करना है, तो वो कैसे होगा? यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ ऊपर कि ये टुडे है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डे, फिर यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ मंथ और फिर ईयर। टू ब्रेक द डेट फ्रॉम अ डेट यू हैव टू राइट इक्वल टू डे, देन गिव योर सीरियल नंबर एंड मतलब योर सिलेक्टेड डेट एंड ओके। सो द डे फ्रॉम दिस डेट इज 16, देन मंथ इक्वल टू month, मंथ, गिव योर करंट डेट 7, सातवां महीना है, इक्वल टू ईयर, ये भी एक फार्मूला है डेट और टाइम का, और यहाँ से आप जो इसको सिलेक्ट करें तो इसमें से ईयर उठ के आ जाएगा। क्लियर है ये बात? इसी तरह से जो है वो हम थोड़ा सा और काम करते हैं, अभी का जो है वो हम लोग टाइम ले लेते हैं। तो टाइम फर्ज कर लो हो रहा है 12:37 PM, तो एक टाइम आया है। अब इस टाइम को भी हम तोड़ सकते हैं कि मुझे आवर्स चाहिए, मुझे इसमें से मिनट्स चाहिए और मुझे या फिर सेकंड्स चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू आर, और आर के अंदर टाइम दे दें आप अपना, तो हमारे पास जो है वो आपके करंट टाइम में से टाइम उठाकर अलग, आर्स उठा के अलग कर देगा। इसी तरह से मिनट, और मिनट के अंदर भी आप अपना टाइम दे दें तो ये जो है वो ऐसे, और इक्वल टू सेकंड, तो सेकंड के अंदर भी आप अपना यहाँ पे टाइम दे दें तो ज़ीरो आएगा क्योंकि सेकंड तो हमने दिए ही नहीं। अब आप यहाँ पर अगर आप अपने सेकंड्स मेंशन करते हो, फर्ज कर लो 45 सेकंड्स, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 45 सेकंड आ जाएगा क्योंकि आपने फार्मूला लगाया हुआ। क्लियर है? तो ये कुछ मेथड्स हैं। जब आप
एक जुड़ी हुई डेट को तोड़ सकते हो, एक जुड़े हुए टाइम को तोड़ सकते हो, तो इन टूटे हुए टाइम्स एंड डेट्स को जोड़ भी सकते हैं। वो कैसे भाई? इक्वल टू डेट, आप यहाँ दे दें ईयर, ये रहा ईयर, फिर क्या मांग रहा है मंथ, ये रहा मंथ, फिर क्या मांग रहा है डे, ये रहा डे, ब्रैकेट बंद, तो मेरे पास जो है वो डेट आ गई। फॉर्मेटिंग आप फिर अप्लाई कर लें। अगर आपके पास इस तरीके से टूटा हुआ डेटा आता है तो आप जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते, ठीक है। इसी तरह से टाइम भी है, इक्वल टू टाइम, और उसके अंदर आवर्स मांग रहा है पहले, फिर मिनट्स मांग रहा है, फिर सेकंड्स मांग रहा है, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो मेरे पास टाइम भी आ गया, क्लियर है ये? तो एक्सेल के अंदर हमें बहुत आसानी है इस चीज़ की कि हम जो है वो वन टाइम कोई फार्मूला लगाएं, workday.intl जैसे हमने यहाँ लगाया, तो उससे जो है वो हमारे पास हर महीने की अटेंडेंस शीट ऑटोमेटिकली बनती रहेगी। हमने सिर्फ स्टार्ट डेट वगैरह बदलनी है, और बाकी डेट्स के साथ आपने डील करना है तो वैसे भी डील कर सकते हो। हाँ, एक और चीज़ भी है, आप डेट्स के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। क्या मतलब भाई? ये जैसे कि आज 16 तारीख है, आज से 30 दिन बाद क्या डेट होगी, तो वो क्या लिखूंगा मैं? इक्वल टू टुडे। ज़रूर मैंने आपको पहले भी बताया है, टुडे जो है वो बस आप डेट को चेक करने के लिए यूटिलाइज करें, क्योंकि जब आप एक महीने बाद खोलेंगे एक्सेल की फाइल को तो उस वक्त जो टुडे हो रहा होगा वो उसको उठाएगा, उसमें प्लस 30 कर देगा। तो इक्वल टू टुडे ना लिखें, बस जो भी डेट है, फर्ज कर लो ये मेरे पास डेट है, इस डेट को मैंने सेलेक्ट किया प्लस 25, आज से 25 दिन बाद क्या डेट हो रही होगी, उसने मुझे बता दी। फॉर्मेटिंग का अप्लाई कर लो इधर, आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई आज से 25 दिन बाद, इस तारीख से 25 दिन बाद 10 अगस्त हो रहा होगा। क्लियर है भाई? आज इसी तरह से आप जो है वो यहाँ माइनस कर लें, माइनस 25, आज से 25 दिन पहले जो है वो 21 जून था, ओके, क्लियर है, ठीक है। तो इसको आप फिर आप लोग ट्राई करें, और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो फिर पूछ लें, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।